कहाँ गया? गुड आफ्टरनून, आपका ये क्लास नंबर 22 है स्पेशल इंग्लिश का, और आज की क्लास थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, है ना, पैसिव वॉइस से जो है एक्टिव वॉइस बनाना सीखेंगे। कल की क्लास में मैंने बताया था एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनाते, तो ध्यान देना, एक बार मैं रिपीट करूँगा। जो एक्टिव वॉइस होता है ना, वो क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट आपका मेन होता है, सब्जेक्ट इज इन फोकस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट फोकस में होता है, सब्जेक्ट मुखिया होता है, है ना। लेकिन जो आपका पैसिव वॉइस होता है, एक्चुअली जो पैसिव वॉइस होता है वो क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज इन फोकस, इसमें ऑब्जेक्ट फोकस में होता है। ध्यान से समझना, कल मैंने पूरा शादी ब्याह हर चीज करवाया गया था, बढ़िया बारात हम लोग गए थे, है ना, खाए पिए थे ना, हाँ। तो देखो थोड़ा सा आज एक झलक देख लेते हैं क्या हुआ था वहाँ पर। सब्जेक्ट इज इन फोकस, अरे ठीक है भाई, चलो। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस वो होगा जिसमें सब्जेक्ट फोकस में होगा, और एक्टिव वॉइस कहता है सबको सवाओ। एक्टिव वॉइस क्या कहता है, सवाओ, नहीं तो जितने बराती है ना सवाधी रात को हो जाएंगे, 1 2 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद में वर्ब लिखा जाता है। कभी कभी क्या होता है, वर्ब के पहले, कभी कभी क्या, अक्सर वर्ब के पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। ये चीज आपको याद रखना होगा, है ना, वर्ब के पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। यहां मैंने स्टार किया, दो टेंस है जहां पर वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। सबको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, बाकी हर जगह हेल्पिंग वर्ब आता है। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट मेन होता है ये कहता है सबको सवाओ, नहीं तो सब लोग हो जाएंगे, 1 2 3 हो जाएंगे। अब जब पैसिव वॉइस में जब दूल्हा घर पर आता है तो सारे बराती दूल्हे से क्या करते हैं भाई, बदला लेते हैं, ये कहते हैं हमें ये किए थे 1 2 3, इनको हम उल्टा टांगेंगे, इनको हम क्या करेंगे, हाँ इनको हम करेंगे 3 2 1 करेंगे। यानी कि पैसिव में जो होता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, इसके बाद में वर्ब को, अच्छा वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ फिक्स है, और यहाँ भी फिक्स है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, और यहाँ जो सब्जेक्ट रहता है ना, सब्जेक्ट जब जाता है पहले नंबर पर तब बाई के साथ सब्जेक्ट हो जाता, ये चीज कल आपने देखा था, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, क्लियर है। अब जैसे ध्यान से देखो, हमने बताया था यहां वाला जो ऑब्जेक्ट होगा यही वाला ऑब्जेक्ट यहां पर जाता है, या तुम कह रहे हो ये समझ में कम आ रहा है, देखो एग्जांपल से समझो। अगर मैं कहूं आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा सब, मैं एक पत्र लिखता हूं, ये इसमें देखो काम मैं कर रहा हूं, सब्जेक्ट फोकस में है, यानी कि ये एक्टिव वॉइस है, सिंपल सा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सब, ये एक्टिव वॉइस है तो इनको पहले सवाओ तब सेंटेंस बनाओ, ठीक है। तो सा यानी सब्जेक्ट, ये क्या हो गया वर्ब, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, क्लियर है। कल मैंने बताया था ऑब्जेक्ट किसका रिप्लाई होता है, क्या, किसे, किससे, किसको का जो रिप्लाई होता है ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर है। यहां पर क्या है, एक्टिव वॉइस सवाओ, 1 2 3, लेकिन पैसिव में आप क्या करते हो, आप करो एक्टिव में, हम तो करते हैं सवाते हैं सबको, नहीं तो सब 1 2 3 हो जाएंगे, है ना। लेकिन पैसे में क्या करते हैं, 3 2 1 करते हैं, याद रखो 3 2 1 करते हैं। अगर हम इसका पैसिव बनाएं, अगर इस सेंटेंस का हम क्या बनाएं, पैसिव वॉइस बनाएं, तो हमें करना होगा 3 2 1। तो आप देखोगे 3 नंबर पर कौन है, लेटर, यानी ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है।
तो यहाँ पर आप कहोगे आ लेटर। अब ध्यान देना, सबसे पहले आप फिर तुरंत आप देखना वर्ब क्या है, वर्ब क्या है। तो यहाँ पर जब आप वर्ब के पास पहुंचे तो पता चला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। कल मैंने बताया था, एक बार रिमाइंड करो, जो बच्चे नहीं आए थे उनका कवर हो जाएगा, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो है फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, ये एक्चुअली किस में जाता है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाता है। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह डू या डज भी किस में जाता है, इज आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाता है। ये पहला रूल मैंने बताया था, क्लियर हो पा रहा है। दूसरा मैंने बताया था, अगर यहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या जो है डिड के साथ यहाँ कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इनको चेंज कर देना है वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये दूसरा रूल, बोलो क्लियर है ना। फिर मैंने तीसरा बताया था कि जो आपकी कंटिन्यूअस वाली है, जैसे इज हो गई, एम हो गई, आर हो गई, या जो वाज हो गई या वर हो गई, इन सबको किस में चेंज करना है, इन सबको इज एम आर वाज वर में तो चेंज करना ही है, इसके साथ लगा देना है बी। और भाई फिक्स से ध्यान दो, पैसिव में फिक्स से वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, यहाँ फिक्स है, यहाँ बदलती रहेगी। कल मैंने बताया था जब दूल्हा दुल्हन की दुल्हन को लेकर आएगा तब भाई दूल्हे को तीसरे पहर घर पर आना होगा, यानी कि फिक्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है पैसिव में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने एक कहानी बताई थी, याद आया, हैज, हैव, हैड, ये हैं तीन, तीनों बजाते हैं बीन, मतलब इन सबके साथ क्या लगा देना है, बीन लगा देना, हैज, हैव या हैड, इन सबके साथ में लगा देना है बीन। अगर मैं कहूँ विल हैव किस में जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव, मे हैव, वुड हैव, कैन हैव, हैव, Have been, had, has been, had, had been, बस भैया बीन हो, बीन बचाओ बैठ के, समझ में आया ना। yes, अच्छा, टू 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 बीबी बीबी, ये कहानी बताया गया था ना, इज टू, एम टू, आर टू, मोडाल्स मेरा नहीं तेरा है, मोडाल्स किसका है, मोडाल्स किसका है, हाँ मोडाल्स तेरा है, तेरे साथ क्या लगाएंगे, तेरी वाली बीबी, बीबी बीबी, समझ रहे हो ना। तो मोडल्स तेरा है, कौन है, कैन, तो कैन का कैन, कैन अरे कुड नहीं बच्चा, कैन का कैन भी, कुड कुड का कुड भी, मे भी, माइट माइट भी, है ना, सेल सेल भी, है ना, सुड सुड भी, बिल बिल भी, वुड वुड भी, Used to, है ना, need, dare, must भी, सबके साथ भी, है ना, are to be लगभग हो गए ना। तो ये जितने भी modals हैं इन सबके साथ में क्या लगा देना है, तो इन सबके साथ में लगा देना है be, इन सबके साथ में लगाना है भैया be लगाना है, बस काम हो जाएगा। यही मैंने रूल बताया था, ये सबको याद रहेगा ना। एक बार मैं और लिख पूछ रहा हूँ, इसको मैं मिटा कर पूछूंगा, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, देखो इतना मेहनत से लिखा फूंक दिया तुरंत का तुरंत। चलो बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, डू या डज, डू या डज, हंस गए ना, मेरा काम फंसाना तुम्हारा काम फंसाना नहीं, सेम एग्जामिनर का काम है। डू या डज, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। अच्छा, इज एम आर, इज एम आर प्लस बीइंग में, हैज, हैव, हैड, हां हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन। अच्छा, नेक्स्ट बताइए, बिल, शैल, मे, कैन, कुड, माइट, मस्ट बी, मस्ट बी, जैसे चिड़िया उड़, हाथी उड़, हाथी को भी उड़ा देते। अच्छा, ये समझ में आया। तो हम लोगों ने कल सिंपल सा, जैसे ये देखो, आई राइट अ लेटर, है ना, ये एक्टिव में क्या रहता है, सवाओ,
एक्टिव क्या रहता है साउ, और पैसिव क्या करता है यहाँ 1, 2, 3 और यहाँ पर 3, 2। तो आ लेटर मैंने पहले लिख दिया ना, अब आप बताओ भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में जाता है? थर्ड फॉर्म में जाएगा, इज एम आर में। तो आ लेटर के अनुसार इज, राइट रोड रिटन, ये हो गया। बताओ समझ में आया रिटन? और आई किस में जाएगा? बी बाई मी, सी बी बाई अस, दे बाई यू, बाई यू इट बाई राम, राम भाई राम, नाम का नाम ही रहेगा ना, हाँ नहीं तो राम रामू शिवानी शिवानू, नहीं नहीं सब में नहीं होगा, ठीक है ध्यान देना भाई, हाँ नहीं बह जाओ नदी में पता चले। चलो तो आई का क्या हो जाएगा भैया? भाई बताओ समझ में आया? अभी कल हम लोगों ने सीखा था कि अगर ये एक्टिव वॉइस दिया रहेगा तो इसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, लेकिन आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? पैसिव वॉइस दिया रहेगा तो इसको कैसे हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। क्लियर है? तो भाई इसे मिटाएं। ये तो कल मैंने बताया था, अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा बताना, उसका व्यवस्था किया गया है। अभी से मिटाओ मैं। अब ध्यान से देखो, मान लो यहीं पर मैं ऐसा लिख दूं आ लेटर, यहीं पर हम ऐसे लिख दें आ लेटर इज रिटन बाई मी, ये क्या लिख दिया गया आपको? एक्टिव का है कि पैसिव का है? तो गया वैसे बेवकूफ बना रहे हो, इतने भी बेवकूफ नहीं है, एक्टिव का है ना, पैसिव का है, एकदम गुस्सा हो जाना कैसे एक्टिव का है ना, ये पैसिव का है, पैसिव का मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ये फिर वर्ब है और ये क्या है भैया? सब्जेक्ट है, बाई के साथ आया, तो यहाँ क्या है? 3, 2, 1। अब हमें क्या बनाना है? एक्टिव। तो एक्टिव का क्या था, कहाँ गए? 1, 2, 3 है ना, तो 1, 1 में आते हैं। तो भाई ये देखो, जब बाई मी पहले आएगा तो क्या होगा? कर दो आई। क्लियर है? आगे आ जाओ। अब ये इज रिटन, याद करो इज रिटन कहाँ से आया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज रिटन में जाते हैं ना, वैसे आई क्या सिंगुलर है तो एस आई एस नहीं लगेगा, तो आप कहोगी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आ लेटर इनको लास्ट में भेजना ना भाई, 3, 2, 1 हमें क्या करना है? 1, 2, 3 करना, और ये समान वमान सब फेंक देना, ठीक है? जैसे मी ऑब्जेक्टिव केस है, जब मी को सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो आई, तो भाई को नहीं लगाना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? आ लेटर। बताओ समझ में आया? बन गया, बेसिक से आपका एक्टिव बन गया। मतलब अब आपको यही याद रखना, ये रिवर्सिबल कर दो, लो एक्टिव से पैसिव बोलेगा तो 1, 2, 3 से 3, 2, 1, अगर 3, 2, 1 दिया रहेगा तो किस में चलेंगे? 1, 2, 3 में चलेंगे। एक सेंटेंस पूछा जाए, चल इसे समझ में आया? एक और एक बार ध्यान से फिर से समझो, अब मैं जानबूझकर कोई कठिन लिखूंगा और यहाँ पर एक रूल याद कर लो, ध्यान से देखो, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, यही रूल है, बड़ी काम की चीज है, जैसा एक्टिव वॉइस वैसा ही पैसिव वॉइस, ये क्या बात हुआ? ये बात ये हुआ, लेकिन यहाँ एक्सेप्ट एक रूल है, एक स्टार है ना, हु जो रहता है ना वो किस में चेंज होता है? बाई हुम में चेंज होता है, और बाई हुम के साथ में हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। इसकी कहानी बड़ी अच्छी बताया था पहली वाली को, बाकी सबको नहीं चाहिए, एक चाहिए, बाकी सबको सब्जेक्ट के बाद लिखना है ना, बस ये काम करना, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना और इसके बाद क्या लिखना, जो भी बची रहेगी लिख देना, नहीं बची है कोई बात नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में हसिया जी सब्जेक्ट, आई मीन क्वेश्चन मार्क, समझ में आया ना? ये आपका हु का केस है, बाकी जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, ये क्या बात है? देखो एक्टिव वॉइस नेगेटिव, तुम भी नेगेटिव बनाना, एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव, तुम भी इंटरोगेटिव बनाना, जैसे मान लो ये थोड़ा भाव खाए ऐसा कह दें, आप बनाओ वाई डू यू राइट आ लेटर, तुम एक पत्र क्यों लिखते हो, तुम भी कहो अच्छा बच्चा तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, क्वेश्चन वर्ड से शुरू की हो, हम हूँ शुरू करो, है ना, ऐसे जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, एक्टिव ये किस में है, ये एक्टिव है ना, एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड पहले लाए, तुम भी ले आओ, हम भी लाएंगे, हम भी लाएंगे,
लो लिख लिख दिए। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाए? हेल्पिंग वर्ब ना, तो हम अपनी वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तुम अपनी वाली, हम अपनी वाली, सबकी अपनी अपनी होगी ना हेल्पिंग वर्ब। तो डू या डज का क्या होगा? इजेमार। तो अब बताओ क्या आएगा? इज आएगा कि एम आएगा, क्या होगा? आ लेटर सिंगुलर है ना, तो आपको होगी क्या होगा? बस लोग कम थोड़ी है, तुम अपने साथ अपनी वाली, हम अपने साथ अपनी वाली। मतलब ये पैसिव वॉइस बोल रहा है, एक्टिव के साथ एक्टिव वाला हेल्पिंग वर्ब, पैसिव के साथ पैसिव वाला, कोई बात नहीं। ये क्या कर रहे हैं? वन। ये क्या है? टू। ये क्या है? थ्री। हमें पैसिव बनाना है, हम क्या करेंगे? थ्री टू। ये नाटक किए, हम भी नाटक किए, हमें शौक नहीं लगा था, समझे ना। इन्होंने क्वेश्चन वर्ड पहले रखा, हम रखे। ये अपने साथ अपनी वाली, मतलब एक्टिव वाली हेल्पिंग वर्ब, हमने अपने साथ अपनी वाली, क्या गम है, है ना। कोई बात नहीं, अब आते हैं, इनको पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ लेटर। अच्छा, आ लेटर से ही पता चला था ये जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? आ लेटर फिर क्या था? देखो बाई, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आ लेटर हो गया। ये क्या हो गया आपका? थ्री हो गया ना, इसके बाद टू आएगा। लेकिन पैसे में भाई ठीक से वर्ग की थर्ड फॉर्म आते हैं। अच्छा, कुछ बची हुई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, अकेली थी इनकी भी, अकेली मेरी भी, कोई बात ठीक। राइट रोट रिटर्न, वर्ग की थर्ड फॉर्म में जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया? रिटर्न हो गया, यू बाहर ले जाना है ना, तो क्या हो जाएगा? बाई यू हो जाएगा। बताओ इतना समझ में आया? लेकिन लेकिन यही हमारे कहने का मतलब है, अगर यहाँ नाटक होगा तुम भी नाटक करना, मजबूर करेंगे तुम भी करना, मत चूकना, है ना। जब मौका पाए ना, मौका पाओ तो भाई कूद दो, ठीक। अगर ये नेगेटिव तो तुम भी क्या करते? मान लो ये सरकार दिए, मान लो ये सरकार दी, इन्होंने कहा अब बनाओ बच्चा, डू यू, हम क्या लो बन गए सरकार दे। समझ में आया? मतलब अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे तो अंतर ये रहेगा, यहाँ पर एक्टिव वाला हेल्पिंग वर्ब और हमारे यहाँ पैसिव वाला हेल्पिंग वर्ब। ये तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, और हु का स्पेशल केस था, हु का। लेकिन मान लो ये नाटक करने लगे, ये कह रहे नहीं नहीं आप बनाओ बच्चा, आप बनाओ तुम, हम तो पैसिव वॉइस है, अब तुम बनाओ एक्टिव वॉइस। तुम कहो ए बेटा टेंशन नहीं लेने को, तू थ्री टू वन है, तू क्या है? थ्री टू वन है, तू हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, मैं भी शुरू करूँगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो इज के पापा को खोजो, इज कहाँ से पैदा हुआ था? डू या डज से? अरे गजब है ना, इसे हुआ था ना। लेकिन अब देखो डू लगाए कि डज लगाए, ये वन डिसाइड करेगा। बाई यू जब पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा ना, लेकिन यू के अनुसार क्या आएगा? डू। तो लो इन्होंने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है, हम भी शुरू किए, डू यू हो गया। अच्छा यहाँ थ्री टू वन, तो हम क्या करेंगे? वन टू थ्री, वन का तो काम हो गया, अब टू को खोजे रिटर्न। अब बताओ रिटर्न, इज रिटर्न कैसे पैदा हुआ था? याद करो, हाँ यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वैसे भी जहाँ डू रहता है वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, ठीक है, बढ़िया है, राइट हो गया। वन टू हो गया ना, अब थ्री, थ्री को खोजो, कहाँ हो थ्री? आ लेटर, बस डू यू राइट आ लेटर। बताइए समझ में आया? समझ, इससे आपको घबराना नहीं है। अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीख गए तो पैसिव से एक्टिव भी सीख जाओगे। बस वन टू थ्री, यहाँ पर आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ थ्री टू वन रहेगा, बदलेंगे किसमें? हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, तुम भी शुरू कर देना। ये क्वेश्चन वर्ड पहले रखेंगे तुम भी, लेकिन यहाँ इसके साथ नाटक, किसके साथ नाटक? हु के साथ। अच्छा ये समझ में आया? जैसे एक मैं यहाँ पर हु वाला लिखता हूँ, जैसे मैं कहूँ हु ब्रोक द ग्लास, गिलास को किसने तोड़ा बताओ भैया? गिलास को तो आप हु मिल गया जैसे मिले, अभी हु है वो तो अलग टाइप का है। आजा 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 भाई, बूम हो गया ना। यही एक में था, बाकी तो जैसा देश वैसा बेस, ठीक। तो भाई हूँ, भाई हूँ के साथ क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखो ब्रोक, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बताओ किस में जाता है? वाजिय वर्ब में जाता है, किस में जाता है? वाजिय वर्ब में। तो बाई हूँ आगे यहाँ क्या लगेगा? वाच, वाच क्यों लगेगा? क्योंकि द ग्लास सिंगुलर है, तो बाई हूँ वाच
द ग्लास हो गया। देखो यही तो है ना, ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो यहाँ क्या हो गया ब्रोकन। बताओ समझ में आया, समझ में आया। लेकिन मान लो ये नाटक करे, लो सरका दिए, ये कह रहे हैं ये बच्चा पैसिव में है, ये किस में है, आप इसको किस में बनाओ, अब तुम क्या करोगे, अब घबराना नहीं। आपने देखा, आप ऐसे देखो, भाई हम कैसे पैदा हुआ था, कैसे, अरे गजब, हु को लिख दो भैया। अच्छा वाज थर्ड फॉर्म कैसे आया था, ये कैसे आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है ना, तो ठीक है सेकंड फॉर्म कर दिए ब्रोक, ये तो बेचारा न्यूट्रल ही है, ऑब्जेक्ट बेचारा, लिख देते द ग्लास। बताओ समझ में आया, क्वेश्चन मार्क लगा दो। मतलब चाहे ये एक्टिव से पैसे पूछे या पैसिव से एक्टिव पूछे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अच्छा क्लास नंबर 20 और 21 में मैंने बहुत अच्छे से बताया है ये चीज, आज चूंकि 22 में पैसिव से एक्टिव है तो इसलिए मैंने ये चीज बता दिया, समझ में आया। अब एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग प्यार से मुस्कुराते हुए गलत करोगे, एकदम गारंटी के साथ दे 100% 500% गारंटी। अरे तुम सही तो करके दिखाओ, अरे पहले अभी ऐसे कैसे मान लो, पहले सही करके दिखाओ। चलो आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, समझ लो ना, मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। चलो ये किस में, एक्टिव में कि पैसिव में, कितने बच्चे कर रहे हैं एक्टिव में, कितने बच्चे कर रहे हैं पैसिव में, ये एक्टिव में है बच्चा, ये एक्टिव वॉइस में है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, इसको बनाकर दिखाओ पैसिव वॉइस में। चलिए बनाकर दिखाइए, एकदम हलवा है ना, बनाकर दिखा दो फिर जल्दी से, चलो चलो देखते हैं, या 1 2 3 तुम्हें क्या करना है, 3 2 1 करना है, चलो करके दिखाओ जरा सा। नोन, हाँ क्या आंसर है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका गलत होने वाला है, हाँ बताइए, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, और हाँ ठीक है दिखा दो, और कोई, चलो बताओ आंसर क्या है सबका, यू आर नो कि नोन, नोन बाई मी, सबका है यही ना, आप बताओ क्या है, अच्छा यू के साथ इज लगेगा, हे भगवान महापाप कर, यू के साथ इज आएगा ही नहीं, तो सरासर यू के साथ आ रही आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका गलत हो गया, यहाँ टू रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, टू रहेगा। और मैं एक चीज ये भी कह रहा हूँ, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन गलत होने वाला है, पता है क्यों, कुछ ऐसे शब्द हैं फिक्स हैं, ध्यान दो, कुछ ऐसे शब्द हैं फिक्स हैं जहां पर उनके साथ बाई नहीं लगता है, बल्कि प्रीपोजिशन की जगह कुछ और लगता है। अब यहाँ पर भाई अब ये जानने की जरूरत आ गई ना कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जहां पर बाई नहीं लगता बल्कि कुछ और लगता है, तो एक तो आपको पता चल गया कि नो के साथ या नोन के साथ में क्या नहीं लगता, बाई नहीं बल्कि टू लगता है, इसको लिख लो चाहो तो स्टार बना लेना, और ऐसे बढ़िया प्यार से गलती करोगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ऐसे शब्द की हमें लिस्ट देख ली, अब मान लो आज के टॉपिक में हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये ऐसे दे दे, ऐसे ये कह दें पैसिव वॉइस में है, आप इसका बनाओ एक्टिव वॉइस, अब कैसे बनाओगे, अब अगर आपको रूल नहीं पता रहेगा ना, आपको अब ये सेंटेंस वही गलत है, यहाँ बाई मी रह जाए ऐसे तो बोलोगे ना, लेकिन नहीं ये सही है, तो टू मी किस में आ जाएगा, यहाँ पर देखो 1 3 2 1 बनाना किस में है,
एक्टिव वॉइस में बनाना है, तो भाई टू मी या बाई मी किस में आता है? आई में। आर नाउन कैसे पैदा हुआ होगा? ये हमारे साथ है थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाते हैं ना, तो आई के साथ क्या होगा? नो होगा, एसईएस तो लगेगा नहीं, आई नो, और यू का यू आराम से बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन अभी यहाँ पर ये समझना है ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके साथ में बाई नहीं लगता बल्कि कुछ और लगता है, तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, तो लिखिए थोड़ा सा शब्द की लिस्ट बनाइए आप लोग, है ना। ऐसे शब्द हैं प्लीज्ड, ये साथ में लिखिए, प्लीज्ड है आपका, सेटिस्फाइड है, ये याद कर लो, नहीं तो आज मैंने बेवकूफ बनाया कल एग्जामिनर बनाएगा। सेटिस्फाइड है, डिसगस्टेड है, डिसगस्टेड है, और क्या आपका चार्म्ड, सी एच ए आर एम ई डी, चार्म्ड है, और आपका थ्रॉन्ग्ड, टी एच आर ओ एन जी ई डी, थ्रॉन्ग्ड है, और लाइंड, एल आई एन ई डी, इन सबके साथ बिद लगेगा, बाई के जगह बिद लगेगा, बाई नहीं लगेगा, ऐसे एरो बनाकर लिख लोगे, हमेशा याद रहे। इन सबके साथ क्या लगेगा? बिद लगेगा, बाई नहीं लगेगा। अब एक करके दिखाओ आप लोग, अब तो सही कर दोगे। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, यहां पर सेंटेंस है माई बिहेवियर ओ आर, ठीक है, प्लीज्ड हिम, मेरे बिहेवियर ने उसे प्रसन्न कर दिया। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब जरा सा इसका पैसिव बनाओ, क्या होगा बोलो? जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो आप क्या कहोगे? पैसिव में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है ना, तो हिम का क्या हो जाएगा? ही हो गया, हिम का ही हो गया। अब यहां देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये किस में जाएगा? वाज, ये वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो आपको कि ही के साथ लगेगा वाज, तो ही वाज प्लीज्ड, क्या हो गया? ही वाज प्लीज्ड। अब यहां पर बाई माई बिहेवियर, अब तो गलती नहीं करोगे ना, बाई लगाओगे, यहां पर क्या लगेगा? हाँ, यहां पर होगा विद माई बिहेवियर। अब देखो कई सारे लोग जिनको ये रूल नहीं पता होगा वो विद माई बिहेवियर नहीं करेंगे, बाई माई बिहेवियर ही करेंगे, लेकिन आज तुमको पता चल गया ना, तो इसको याद रखना, कोई बहुत भाव का है ना ऐसे ही फेंको, लो बेटा दम है तो बनाकर लिखो लोको, ठीक है, समझ में आया? ये एग्जांपल लिख लीजिएगा साइड में, और बता रहे, रुको रुको तो सही। अब इसके बाद में दूसरा लिखे कंटेंट और इंटरेस्टेड, इसे मिटाऊं? यस सर, ऊपर वाला तो रखेगा नहीं सकता। कंटेंट, सी ओ एन टी ए आई एन ई डी, कंटेंट एक शब्द है, और एक है आपका इंटरेस्टेड। कंटेंट और इंटरेस्टेड, इनके साथ में इन लगता है, इन लगेगा, बाई नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसे इसको लिख लो, इनके साथ में क्या लगेगा? इन लगेगा, बाई नहीं लगेगा, और एक एग्जांपल करके दिखाओ। एग्जांपल है दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, ये किताब मुझे बहुत पसंद आती है। अब बताओ इसका, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऐसे डिसाइड कर लिया। अब पैसिव बनाने के लिए एकदम पीछे से चलेंगे, ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट, इसका पैसिव बनाओ क्या होगा बताइए? मी का क्या हो जाएगा? ये लिख लियो ना, आई एम इंटरेस्टेड। हाँ, अभी हम बाई नहीं लिखना, इसका हो जाएगा आई, चूंकि मी का पहले हो जाएगा आई, आई के साथ क्या लगेगा? एम क्यों लगेगा?
क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस रहेगा तो ये जाता है इज एम आर में। ये रूल अभी दे दिया जाएगा आपको, है ना, बढ़िया। आधा पेज का छाप लो, एकदम काम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई एम, अच्छा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड। अब बताइए बाई दिस बुक इन दिस बुक, हाँ अब गलती मत करना, इन दिस बुक। चलो अगला लिखिए, नोन और ऑब्लाइज्ड, नोन और दूसरा शब्द क्या है आपका ऑब्लाइज्ड, इनके साथ में, सॉरी इसको ऐसे लिखो नोन और है अगला ऑब्लाइज्ड, इनके साथ में भैया टू लगेगा, बाई नहीं लगेगा। एग्जाम्पल वही आई नो यू वाला लिख लो या ऑब्लाइज्ड वाला, कि बोल दो ही विल ऑब्लाइज मी, वो मेरा आभार आभारी रहेगा, ही विल ऑब्लाइज मी, वो मेरा आभारी रहेगा। इसका बनाओ पैसिव, नोन और ऑब्लाइज्ड, ठीक है, इसका पैसिव बनाओगे। अब देखो पैसिव बनाना तुम लोग के लिए बड़ा खेल हो गया होगा शायद, क्योंकि भाई कुछ करना नहीं है, पहले सेंटेंस को सवाओ, पहले का कराओ सवाओ, तब सेंटेंस बनाओ, उल्टा बनाओ, सीधा नहीं तो उल्टा बनाओ और बनाकर दिखाओ या सवाओ। अब हम सेंटेंस को उल्टा बनाओ, तो उल्टा का मतलब पीछे चलेंगे ना, तो मी को पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा आई। अच्छा बिल ऑब्लाइज, याद आया बिल किस में जाता है, बिल भी है ना, तो क्या हो जाएगा आई बिल भी, ना पाप हो गया आई के साथ, तो सहल लगेगा ना, यस सर, पाप नहीं करना है ना, ये ध्यान देना है, आई के साथ क्या लगेगा सेल, तो आई सेल बी, बाई वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा वेरी गुड ऑब्लाइज्ड, ही है तो ही का क्या हो जाएगा बाई हिम, हाँ बहना नहीं आदत, ये जल्दी जाएगी नहीं, बाई हिम बाई 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 ऐसे सब में लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा टू हिम, क्लियर है, तीन स्पेशल रूल सबको समझ में आया, ठीक है, टू वाला हो गया। इसके बाद एक एड का लिख, एक और इसे मिटाओ ऊपर वाला, लिखे सरप्राइज, सरप्राइज एस यू आर पी आर आई एस ई डी, सरप्राइज्ड। दूसरा एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड, ठीक। तीसरा लिखिएगा सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, 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 और इसके बाद में डिस्ट्रेस्ड, इसे मिटा दो ना, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, इसके बाद में लिखिएगा displeased और alarmed, displeased और alarmed, इन सबके साथ में एट आएगा बाई नहीं आएगा, बस ये सिंपल सा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लिखिए इसमें, दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर, एग्जांपल है दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर, इस न्यूज ने उनके बापू को क्या कर दिया, सचेत कर दिया। तो ये पहले सवाओ फिर सेंटेंस को उल्टा बनाओ, बस काम हो गए, सा वा ओ हो गया ना। अब पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्टिव में सवाओ पैसिव में उल्टा बनाओ, उल्टा का मतलब हिज फादर आओ बापू, हिज फादर उनके पापा, ठीक है। अलार्म क्या है, गजब वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में जाएगा, और सही तो हिज फादर एक या नहीं, एक है ना, ठीक है, आपके भी पापा एक है ना, हाँ कंफ्यूज मत होना। तो क्या होगा वाह जो होगा, अच्छा अलार्म का तो फॉर्म सब एक ही होगा ना, तो क्या हो जाएगा बताइए, वाच अलार्म दिस न्यूज, बाय दिस न्यूज ना, बह जाओ एक मिनट, बाय दिस न्यूज ना,
अच्छा ऐड दिस न्यूज, हाँ समझ तो गए तुम लोग, ऐड दिस न्यूज, बताओ समझ में आया? कितना स्पेशल रूल मैंने बतवाया नहीं बताया, अरे ठीक भैया समझ गया हूँ, निकल जाता है, चार बताया। ऐड के लिए क्या है? सरप्राइज, एस्टोनिश, और इस पर यहाँ पर आप स्टार बना लेना। पता है क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने बताया था displeased के साथ ऐड, लेकिन जो pleased था ना इसके साथ विद लगता था, याद आया कुछ? Yes, sir. और इसमें गलती होगी, तुम ज्यादा दिमाग हो गया है, pleased के साथ विद तो displeased, उसका उल्टा तो इसके भी साथ विद, ना 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 ऐसा नहीं, विद विद आप विल बोले, नहीं नहीं विद बोले, विल नहीं बोले। अच्छा ये समझ में आया? Yes, चारों याद हो गया ना। चलो अब बताओ टू के साथ टू वाला कौन है? Obliged और known, टू वाला सबको याद हो गया ना, टू वाला कौन है? Obliged और known, और इन वाला कौन है? Content, interested, तो याद हो गया ना, टू वाला कौन है? सबको याद होना चाहिए, टू वाला Obliged known, और इन वाला Content बोला जाए और इंटरेस्टेड। चलो अब बताओ विद वाला कौन था? अरे गजब, कोई तीर घाट कोई वीर घाट, विद वाला कौन सा? प्लीज्ड, सेटिस्फाइड है ना, और क्या है? डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रोम्ड, लाइन, और भाई एड वाला कौन है? Surprised, astonished, disappointed, distressed, displeased, alarmed. ये चार स्पेशल याद कर लेना, कोई बहुत भाव खाए ना इन्हें चार में से फेंक दो भाई, गारंटी ये पक्का गलत कर दूंगी, एक बार खुलो में तो बही जाएंगे। yes. वही बाई वाले में, बाई मी कब, अरे बाई तुम कब बनोगे किसी की दाही है ना, यहाँ बाई नहीं आएगा, ठीक है? हाँ फिर उनको समझाओ, कह दो ठीक है भाई नहीं लगेगा, मेरी दाई आज मैं समझाऊंगा तुमको, लगेगा क्या जिससे तुम फ्यूचर में बनोगी दुर्गा माई, ठीक है? चलो अभी समझ में आई ये चीज, रब करें इसे, इसे पूरा मिटाएं। अब यहाँ पर हम सारा रिवीजन करते हैं है ना, पूरी क्लास का रिवीजन करते हैं, ताकि जिन बच्चों का पहली क्लास है उनका कवर हो जाए, है ना, ध्यान से सुनना। देखो वॉइस मतलब होता है सिंपल सा सेंटेंस, या जो है कोई वाक्य, कोई कथन, कोई कहानी। भैया 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 वॉइस नहीं आ रही, थोड़ा सा नेटवर्क में जाओ, वॉइस नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या हुआ? आवाज मतलब बात, मतलब जो भी तुम बतिया रहे हो ना सुनाई ना देता, सुनाई नहीं दे रहा। तो वॉइस दो तरीके का होता है, एक में हम सब्जेक्ट को मेन बना देते हैं जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, और एक में हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को मेन बनाते हैं, जैसे एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। दोनों में बात कहने का जो तरीका है अलग है, लेकिन जो सेंस है वो एक ही है। एक अगर सब्जेक्ट फोकस है तब वो क्या होता है? एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्रधान है। अगर ऑब्जेक्ट प्रधान है तब वो क्या होगा? पैसिव वॉइस। क्लियर है? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सवाओ। एक्टिव वॉइस का क्या होता है? सवाओ। ये भैया ये सो गया, कल ही से सोया है, क्या करूं। एक्टिव का क्या होता है? सवाओ। ठीक है, वन टू थ्री। अच्छा वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब भी आता है, क्लियर है ना, लेकिन पैसिव ये एक्टिव का है ना। अब पैसिव का क्या है? उल्टा बनाओ। क्या बनाओ? उल्टा बनाओ मतलब ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के पहले उनका समान रख देना। भाई चार लोग स्पेशल है भैया, दशरथ पुत्र है वो तो स्पेशल कर देना, इन नो अरे टू एट और बिग, ठीक है? और यहाँ पर फिक्स है हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और यहाँ फिक्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होगी? हेल्पिंग वर्ब। तो हम सबको सरकाते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, क्लियर है ना? हेल्पिंग वर्ब में कैसे क्या होता है एक बार सबको बोलना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस किस में जाएगा? क्रिया।
इज एम आर के साथ वर्ब की डू या डज के साथ फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगा? इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। क्लियर है ना? अच्छा, ये पहला रूल क्लियर। दूसरा, इज एम आर किस में जाएगा? इज एम आर प्लस बीइंग, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। क्लियर है? अच्छा, हैज या हैव किस में जाएगा? के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा। क्लियर है? आगे बताइए, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में जाएगा? वर्ब में। और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज या वर किस में जाएगा? वाज या वर प्लस बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हेड किस में जाएगा? हेड बीइंग में। मोडाल, सारे मोडाल्स का क्या हो जाएगा? मोडाल्स 13 या तेरी 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 बी बी बी, मतलब समझ रहे हो ना? मोडाल्स 13 है और सबके साथ क्या लगा देना है? बी 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 है ना। तो कैन का कैन बी, मे का मे बी, कुड का कुड बी, माइट का माइट बी, सेल का सेल बी, सुड का सुड बी, बिल का बिल बी, वुड का वुड बी, यूज्ड टू बी, आर टू आर टू बी, नीड नीड बी, देयर देयर बी। अच्छा, मस्ट मस्ट बी। अच्छा, जितना हैव वाला है सबके साथ बिल लग जाएगा। तो बिल है, सेल है, मे है, गुड है, आटू भी। अगर आटू है कहेंगे तब आपको करना आटू है भी। अच्छा, जितना टू टू वाला, टू टू टू, टू टू टू, इज टू, एम टू, आर टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, बस टू टू टू, गजब। चलो एक टू टू करते हैं, तुम लोग बीबी करना, ओके? जैसे मैं कहूं आई हैव टू प्ले कबड्डी, मुझे भैया क्या खेलना है? कबड्डी खेलना है। मुझे क्या खेलना है? अब ध्यान से देखो, ये एक्टिव वॉइस है ना। पहले क्या करो, एक्टिव वॉइस में क्या करना है? सेंटेंस को सवाओ। क्या करो? सवाओ। सा, वाह, ओ, गजब। पैसे बनाने के लिए क्या करो? उल्टा बनाओ। उल्टा का मतलब पहले कबड्डी लिखो, कबड्डी। अब बताओ टू टू टू, अरे गजब। तो हैज टू या हैव टू? हैज टू भी या हैव टू भी। कबड्डी सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर है। तो आप क्या करोगे? हैज टू बी, लग गया ना। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? प्लेड। और आई का बाई मी। बताओ समझ में आया? क्लियर है? पूरा पैसिव आपका कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है? देखो यहाँ वन टू थ्री करना है, पैसिव में उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब ऑब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब का कलाकारी करके बीबी वगैरह बीन वगैरह, मतलब जो भी होगा जैसे होगा बताइए ना अलग से। हाँ, वो कलाकारी करके वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगाकर वर्ब, और बाद में क्या कर देना है? हाँ, जो भी पहले रहे इनको सामान देकर धक्का मार के बाहर भगाना। अगर नॉट आ जाएगा तो? नॉट आ जाएगा तब क्या करेंगे? हैज, अरे पहली वाली बात याद रखना, नॉट आ जाएगा तब क्या करोगे? हैज टू नॉट नहीं, हैज नॉट टू भी याद रखना। अगर नॉट आ जाए हमेशा किसी घसीटना होगा, कुछ भी करना होगा, सारा पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ, उसके बाद। क्लियर? एक घसीट कर दिखाऊं? दिखा जाए, बहुत मजे लेते हैं। तुमको घसीटा जाए? चल एक घसीटते हैं, एक को हम क्या करते हैं? घसीटते हैं। हम कहते हैं हैव, नहीं मैं कुछ और करता हूँ, बिल, यू हैव ईटन फूड, क्या तुम खाना खा चुकी हो? ईटन द फूड, क्या तुम खाना खा चुकी हो? इसका बनाना पैसिव। अब करो ये सर जी किससे शुरू किए हैं? हेल्पिंग वर्ब। हम भी शुरू करें, लेकिन पहले देख तो लो बिल हैव है, तो बिल हैव किस में? बिल हैव किस में? बिल हैव बीन में जाएगा ना। तो ठीक है, ये खुदे घसीटे हैं, है ना, पहली वाली को रखे, बात को बाद में कर दी, यही बताना चाह रहे। तो बिल हैव किस में? बिल हैव बीन, तो द फूड के अनुसार बिल हैव। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? बिल एक एक रखो, तो बिल, इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है? द फूड, बची हुई कौन है? हैव बीन, तो हैव बीन यहां लिख दो।
हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही, तो क्या हो गया ईटन और बाई यू। अब तुम कह रहे हो सर जी सवाओ पहले, मजा आता है सवाने में, सवाए आओ फिर सा वा ओ, उल्टा बनाओ। अच्छा उल्टा ओ है ना, वा इसके बाद में सा, समझ में आया भाई। ये तो हो रहा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। ये कलाकारी किए हम भी किए, इन्होंने अपनी वाली हेल्पिंग वर्ब रखी, मैंने संयोग सेम हो गया तो मेरी गलती थोड़ी है, नाम सेम हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है सबको? अब जब आप एक्सरसाइज करने बैठोगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके yes, आज की क्लास यहीं तक, एक्टिव पैसिव वॉइस हम लोग का कंप्लीट हो गया।